हेलो फ्रेंड्स, वेल्कम टू माय यूट्यूब चैनल अल्फा रिव्यू, वेयर कंटेंट इज किंग। आज हम बात करने वाले हैं मोस्ट एंटिसिपेटेड सीक्वल्स ऑफ हिंदी वेब सीरीज ऑफ 2022 के बारे में। आज की वीडियो शुरू करते हैं। मेरे पास जो पहली अपडेट आई है वो है आश्रम सीजन 2 को लेकर। आज बहुत ही एंटिसिपेटेड शो, क्योंकि इसमें एक फेक गॉडमैन के बारे में बताया गया है। इसकी लीड रोल्स में आपको बॉबी देओल देखने को मिलेंगे, जिन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया। उनका नेगेटिव शेड बहुत ही मजेदार लगा मुझे तो। और ये एक बहुत ही अच्छी एक सोशल मैसेज वाली सीरीज है, इसको आप देख सकते हैं एमएक्स प्लेयर पे फॉर फ्री। और इसी तो ये बड़ा अच्छा है। और इसकी जो रिलीज डेट है वो भी आपको ऑफिशियल कर दी गई है एमएक्स प्लेयर की तरफ से। ये आएगी June 3rd को, तो 3rd June आप इसका डेट मान सकते हैं कि भाई ये ऑफिशियल हो चुकी है। तो 3rd June के लिए आप मार्क कर रहे हैं कैलेंडर्स को अपने, क्योंकि आश्रम चैप्टर 3 आने वाली है 3rd June of 2022। ये अब ऑफिशियल हो चुका है और इसका ट्रेलर भी आउट हो चुका है। और अगर आपने नहीं देखा तो हम एमएक्स प्लेयर के यूट्यूब चैनल पर जाकर देख सकते हैं। बहुत ही अच्छा ट्रेलर है, लगभग 3 मिनट का ट्रेलर। आपको बहुत ज्यादा स्टोरी के बारे में पता चलेगा कि अब क्या वायलेंस होने वाली है, क्या क्या जो आपको देखने को मिलेगा कि बाबा निराला क्या क्या डर्टी ट्रिक्स करने वाले हैं। आगे अब अपडेट आई है मेरे पास दिल्ली क्राइम सीजन 2 को लेकर। नेटफ्लिक्स की जो हिंदी कंटेंट होता है वो इतना अच्छा नहीं होता, पर दिल्ली क्राइम एक एक्सेप्शन है। बहुत बढ़िया सीरीज है ये और बहुत ही ज़्यादा एंटिसिपेटेड है, क्योंकि 2019 में आई थी और अभी तक इसका सीजन 2 रिलीज नहीं हुआ है। तो वो आपको इस साल ज़रूर देखने को मिलेगा, क्योंकि इसकी जो शूटिंग है वो लगभग ख़त्म हो गई है, क्योंकि रीशूट किया गया था। बहुत बड़ा लेवल पर इस बार दिखाया जाएगा क्राइम इन दिल्ली। तो ये भी ट्रू स्टोरी पर बेस्ड है। इसमें 4 सीनियर सिटीजन्स की कहानी दिखाई जाएगी, जिनकी डेड बॉडीज मिलती हैं और उसका केस कैसे सॉल्व करती हैं शेफाली शाह, वो दिखाया जाएगा। कास्ट भी सारी सेम होगी और बहुत मज़ा आने वाला है। मैं तो इसका वेट ही नहीं कर पा रहा हूँ। और अगर आप दिल्ली क्राइम के फैंस हैं तो आपके लिए अच्छी खबर है कि दिल्ली क्राइम सीजन 2 तो सितंबर 2022 में शेड्यूल्ड होगा, और इसका सीजन 3 के भी स्क्रिप्टिंग का काम खत्म हो चुका है। तो सीजन 3 भी ज़रूर आएगा, तो आपके लिए ये डबल खुशखबरी। तो बहुत एंटिसिपेटेड शो है और मैं तो इसका वेट नहीं कर पा रहा हूँ। चलते हैं आगे। आगे मेरे पास अपडेट आई है पाताल लोक सीजन 2 को लेकर। काफ़ी लोग पाताल लोक सीजन 2 का वेट कर रहे हैं, क्योंकि ये 2020 में आई थी और काफ़ी ज़्यादा एंटिसिपेटेड ये सीरीज़। और इसका जो मेरे पास अपडेट्स आई हैं उसके अकॉर्डिंग पाताल लोक सीजन 2 का पोस्ट प्रोडक्शन वर्क चल रहा है और इसमें अभी काम थोड़ा सा बाकी है। तो इसका सीजन आपको देखने को मिलेगा इसी साल, ये लगभग कन्फर्म है कि इसी साल देखने को मिलेगा, पर फॉल 2022 में देखने को मिलेगा, सितंबर या अक्टूबर में। तो अभी आपको इसके लिए थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, पर वर्थ अ वेट है, क्योंकि अच्छी सीरीज़ है और बहुत ज़्यादा एंटिसिपेटेड सीरीज़ है। तो इसके लिए अभी गुलपनाग से बात हुई थी, तो उन्होंने एक इंटरव्यू में अपने कहा कि पाताल लोक सीजन 2 ऑन है, और उनको एग्जैक्ट उन्होंने कुछ नहीं बताया, पर उनकी बातों से लग रहा था कि जल्दी ही देखने को मिलेगा और इस साल तो पक्का देखने को मिलेगा आपको पाताल लोक सीजन 2। अगर कोई चेंज होता है, कुछ ऑफिशियल आता है, तो मैं इस चैनल पे आपको अपडेट कर दूंगा। चलिए आगे चलते हैं स्पेशल ऑफ सीजन 2 के बारे में। स्पेशल ऑफ सीजन 2 के बारे में कुछ अपडेट्स मेरे पास आई हैं। स्पेशल ऑफ सीजन 1.5 भी बहुत बड़ा हिट था और ये नवंबर 2021 में आया था, पर इसके लिए ज़्यादा अच्छी अपडेट्स है नहीं, क्योंकि इसकी स्क्रिप्टिंग का काम तो शायद पूरा हो गया, पर अभी शूटिंग वगैरह कोई शुरू नहीं हुई है। तो इसका जो अभी ऑफिशियली तो कुछ भी नहीं आया, पर इसको अभी आप सोच के रखें कि इस साल तो ये सीरीज़ नहीं आने वाली और ये सीरीज़ आपको देखने को मिलेगी 2023 में। और इसकी कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट अगर आती है तो मैं आपको इस चैनल पर अपडेट कर दूंगा। उसके बाद मेरे पास जो अपडेट है वो फाइनली कोटा फैक्ट्री सीजन 3 की अपडेट है, और ये बहुत अच्छी अपडेट है अगर आप कोटा फैक्ट्री सीजन 3 का वेट कर रहे हैं, क्योंकि राघव सुबू ने इसको ऑफिशियली रिन्यू कर दिया है और कह दिया कि हम आने वाले हैं। और अगर सब कुछ ठीक रहा, अगर कुछ कोविड आउटब्रेक वगैरह नहीं होता है, तो शूटिंग इसकी चल रही है और शूटिंग इसकी ख़त्म हो जाएगी, और अगर सब कुछ ठीक रहा तो ये अगस्त 2022 में प्रीमियर के लिए तैयार है। और अगर थोड़ा बहुत डिले भी होता है तो मुझे नहीं लगता कि ये 2023 तक शिफ्ट होगा, क्योंकि बहुत अभी तक तो सारा कुछ टच वुड ठीक ही चल रहा है। तो सितंबर
एट मैक्स आपको ये देखने को मिली जाएगी सीरीज। तो ये कोटा फैक्ट्री के फैंस के लिए बहुत अच्छी खबर। तो आज के लिए इतना ही, मेरे पास जितनी अपडेट्स थी मैंने आपके साथ शेयर कर दी हैं, और अगर कुछ और अपडेट्स आती हैं तो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूंगा। उसके लिए आपको क्या करना है, मेरे चैनल को करना है लाइक, शेयर और सब्सक्राइब, और अपना ख्याल रखें, और चलिए अगली वीडियो तक, बाय, हैव अ गुड डे।